हैदराबाद ग्रीन सीड्स एंड ऑयल मर्चेंट्स की जानिब से एसएसपी के एजाज में तकरीब, ताजिरों के अलावा एसपी सिटी और पुलिस अफसरान की शिरकत, ताजिर बरादरी की शिकायत पर अफसरान की सरजनिश। मजीद बता रहे हैं रहमान शेख इस रिपोर्ट में। हैदराबाद ग्रीन सीड्स एंड ऑयल मर्चेंट्स की जानिब से एसएसपी सैयद पीर मोहम्मद शाह के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां आमद पर ताजिर बरादरी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। यूनियन की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में एसपी सिटी जाहिदा परवीन के अलावा पुलिस अफसरान और ताजिर रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुनक्किदा तकरीब में ताजिर बरादरी ने पुलिस सरबराह को अपने तहफ़ुज़ात से आगाह किया और शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एसएसपी हैदराबाद ने वहाँ मौजूद मुतल्लिका अफसरान से बातपुरस की और शिकायत दूर करने का यकीन दिलाया। मुझे ये फील हुआ कि पुलिस जो है वो इतनी ज़्यादा आवाम के साथ मिक्सअप नहीं है यहाँ, और जो ताजर बरादरी ख़ास तौर पर या जिनको हम सर्व कर रहे हैं वो एक अलग तरीके से सोच रहे हैं पुलिस के बारे में, और पुलिस जो जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो डिफरेंट तरीके से हमें पता लग रहा है। तो मैं ये चाहूँगा आज के बाद कि जो मेरे एसएचओज हैं वो आप लोगों के साथ मज़ीद ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ताकि ये जो मसाइल है ना बेसिकली होने नहीं चाहिए। अगर ये हैं तो इसका ये मतलब है कि पुलिसिंग जो है ना लोअर लेवल पे सही हो नहीं रही। जैसे भाई ने बताया टोकन सिस्टम या पर्ची सिस्टम, तो ये भी मेरी नॉलेज में आया फर्स्ट टाइम, और यकीनन ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ये आप तस्वीर रखें इसकी मैं एफ आई आर भी करूँगा। मैं तकरीब में मौजूद ताजिर रहनुमाओं हाजी नईम शेख, अब्दुल जब्बार राजपूत और दीगर ने बताया कि आज जो एसएसपी मुनाफिर मोहम्मद शाह साहब से हमारी मीटिंग हुई है, हमें उनके ख्यालात से दरमंद होने का मौका मिला है। माशाल्लाह बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर हैं, हमारी तमाम कंप्लेंट पे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मेरी ख्वाहिश है ऐसे ऑफिसर को हमारे यहाँ पे काफ़ी अरसे तक रहना चाहिए, और ऐसे लोग होते हैं जो शहर के अमन को ठीक कर देते हैं, मंशियात को ख़त्म कर देते हैं। बहरहाल हम ताजरों के लिए और सराउंडिंग के लिए ये मीटिंग बहुत ही मुफीद साबित हुई। आज जो पीर मोहम्मद शाह साहब एसएसपी हैदराबाद ग्रीन एंड सीड्स के ऑफिस पर तशरीफ़ लाए, उनके साथ हमरा एसपी सिटी साहिबा जायदा परवीन साहिबा भी मौजूद थी, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आकर हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारी कंप्लेंट सुनी। हमारे ताजिर भाइयों की पूरी अनाज मंडी के लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी कंप्लेंट सुनी और उन्होंने फिल फॉर एक्शन लेते हुए साथ ही खड़े हुए अफसरान को बुलाकर फर्दन उनसे मालूमात हासिल की कि ये कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है। इस पर हम एक नई उम्मीद जो है हमारी जाग गई है कि इंशाल्लाह ताला इस पर काम होगा, और एसएसपी साहब ने हमें 100% श्योर यकीन दिलाया कि वो इस पर पूरा काम करेंगे। माशाल्लाह हमारे एसएसपी साहब इस वक्त हैदराबाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी एफर्ट के साथ इंशाल्लाह वो काम करते रहेंगे, और उनकी आमद का हम तो जी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छे अंदाज में हमारी मीटिंग हुई और सबको सुना उन्होंने, और उसी वक्त जो है उन्होंने अहकाम जारी की। तकरीब में ग्रीन सीड्स के अहदेदारों और ताजिर रहनुमाओं की जानिब से मेहमानों को सिंध के रिवायती अजरक और टोपी के तहाइफ पेश किए गए, जबकि एसएचओ पनियारी और एसएचओ सखी पीर को एजाजी शीट से भी नवाजा गया। इस मौके पर एसएसपी हैदराबाद ने अपनी सालगिरह का केक भी काटा। कैमरामैन मोहम्मद अवेस के साथ रहमान शेख, सिटी न्यूज़ हैदराबाद।